दिस टैंक M47 99 mm की है। ये जो हमारा यहाँ पे शहीद पार्क है, कंस्ट्रक्शन हुई है कुछ एक नाम जो वो यहाँ पे लिखे हैं और भी। अभी हम देखिए शहीद स्मारक में जो आ चुके हैं। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम विजिट करने के बाद जो वो हम लोग पहुंच गए युद्ध स्मारक में, या शहीद स्मारक जो वो इसको कहा जा सकता है। यह स्मारक जो वो देश को बचाने के लिए लड़ने वाले शहीदों को सम्मानपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया है। फिर चाहे वो 1947 का युद्ध हो, 1962 हो, 1999 कारगिल वॉर ही क्यों ना हो, सभी शहीदों के नाम जो वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो शहीदों के नाम हैं वो जो वो बड़े बड़े तीन चार पत्थरों, काले पत्थरों पर जो वो लिखे गए हैं और पेड़ों और बगीचों से घिरे हुए हैं हमारे इन शहीदों के नाम। तो चलिए देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। 20 rupees का जो वो यहाँ पे टिकट है पर पर्सन। वैसे मैं जब वो यहाँ पे पहले भी जब वो तीन चार टाइम्स वो आ चुका हूँ, लेकिन इस बार जब वो साथ साथ में आपको भी बताएंगे। ये जो हमारा यहाँ पे शहीद पार्क है, इसमें जब वो कई सारे यहाँ पे देखिए शहीदों के जब वो हमारे हिमाचल प्रदेश के शहीदों के जब वो नाम अंकित है। और ये जो वो हमारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ में ही है। यहाँ पे पानी जो वो अभी सूख चुका है बिल्कुल। देखिए आप ये जो ब्लू वाली जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर नहीं जा सकते, यहाँ पे जो वो ऊपर चढ़ना मना है। ये इस साइड जो वो नई कंस्ट्रक्शन हुई है कुछ एक नाम जो वो यहाँ पे लिखे हैं और भी, डू नॉट स्टेप ऑन टू ब्लू एरिया। इसको जो वो देखिए साफ किया जा रहा है बिल्कुल क्लीन। और इस साइड जो वो अभी ये नया ही बना है, यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन विजय। और देखिए हम लोग जो वो इस टाइम में जो वो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, जब कारगिल दिवस जो वो अभी हाल ही में 26 पिछले ही कल जो वो 26 को जो वो यहाँ पे कारगिल दिवस जो वो मनाया जाता है हमारे हिमाचल प्रदेश में। तो ऑपरेशन विजय जो 1999 की बात है, उस टाइम हम काफ़ी छोटे थे, 4-5 साल के होंगे, और इन शहीदों ने देखिए अपनी जान दे दी। तो एक बार जो यहाँ पे आप देखिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। द सिम्बलाइजेज द एवर बर्निंग फ्लेम ऑफ नेशनल फ्रीडम। अमर जवान ज्योति इन लविंग मेमोरी ऑफ कैप्टन सुमित वैद्य। देखिए यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है जो वो देखिए यहाँ पे एडमिरल RH जो भी लिखा है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ऑफिसर मैन एंड इंडियन आर्मी की जो वो यहाँ पे ये बोट जो वो अभी तक अच्छे से रखी हुई है, इसको आप ध्यान से देखिए। और यहाँ पे हमारी भारत माता का जो वो एक बहुत अच्छे से मैप बना हुआ है, उस साइड से जब आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा दिखेगा। इस साइड नीचे जो वो विकास चिल्ड्रंस पार्क लिखा है। देखिए यहाँ पे है टैंक, दिस टैंक M47 पैथन ऑफ 6। देखिए मेन गन जो वो यहाँ पे 99 mm की है और मैक्सिमम स्पीड भी इसकी ये बना है 48 किलोमीटर पर आवर।
ऑपरेशनल रेंज 160 किलोमीटर, वेट है इसका 44.1 टन्स। जबरदस्त, यहाँ से मनाली है 230, शिमला है 224 एंड चंडीगढ़ है यहाँ से 231, पठानकोट 79 एंड नूरपुर है 56 और कांगड़ा हवाई अड्डा है 5 किलोमीटर।